एचईसी में कामगारों की टूल डाउन स्ट्राइक खत्म करने को लेकर बातचीत लगातार जारी है। कामगारों के समर्थन में आए कई राजनीतिक दल के लोगों ने कहा कि जब तक श्रमिक खुश नहीं होंगे तब तक किसी भी उद्योग का बचाना संभव नहीं है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नजर एचईसी की जमीन पर है, न कि इसके उद्योग को बचाने में। कंपनी के डायरेक्टर श्रमिक नेताओं को मनाने की कोशिश में लगे हैं। उधर अगर इस तरह से टूल डाउन स्ट्राइक जारी रहा तो झारखंड की आन बान शान कहे जाने वाले एचएससी का भविष्य वास्तव में अंधकार की ओर जा सकता है। हमारी संवाददाता रुचि शर्मा ने एचईसी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कामगारों राजनीतिक दल के नेताओं से खास बातचीत की। के समर्थन में आए यहाँ के स्थानीय विधायक राजेश कच्छप, जो कि कांग्रेस कोटे से विधायक हैं, और क्या कुछ वार्ता हो रही है, चूंकि निर्देशक से भी इनकी वार्ता हो रही है, और अगर कुछ सफल लिखित आश्वासन मिलता है तो कुछ समझौता, कुछ सकारात्मक पहल हो सकती है, क्या कुछ बातें हो रही है? चूंकि आप देख रहे हैं कि सारे एचईसी के कामगार हैं, वो सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, आरजेडी, सीपीआई के लोग भी यहाँ पर। हम राजेश कच्छप जी से जानते हैं कि क्या कुछ सकारात्मक वार्ता हो रही है क्या? देखिए, मैनेजमेंट का जो रुख है अभी तक बड़ा अड़ियलपंथी का रुख रहा है। देखिए, वर्कर आज एचएससी के समर्थक है, सारे लोग एचएससी के हमदर्द हैं। वर्कर हमेशा से ही चाह रहा है कि आप जो है कि जो वार्ता कर रहे हैं, जो आप अपने लोगों के द्वारा जो बात छोड़ रहे हैं कि आप 1.5 महीना का पेमेंट ले लीजिए, 2 महीना का पेमेंट ले लीजिए और टूल डाउन आप ये करिए, खत्म करिए। आप इसी बात को वर्कर के जो लीडर हैं या वर्कर के बीच में आप क्यों नहीं बोलते हैं? आज मान लीजिए आपका एक अपील पे अगर ये लोग स्ट्राइक तोड़ते हैं, 9-9 महीना बहुत मायने रखता है। 9 महीना अगर किसी का घर का चूल्हा ना जले, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है। मैंने अपने ओर से, व्यक्तिगत तौर से बात किया है। मैं जो भी बात करूंगा, मैं अकेले में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जितने भी हमारे यूनियन के साथी हैं या वर्कर के जो लीडर हैं उनके बीच में। आपकी जो बात है आप उस बात को रख दें, वर्कर की जो बात है तो दोनों के बीच में मैं दोनों के बीच में मध्यस्थता करूंगा। हैवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों का इंडस्ट्री चाहिए, ये मातृद्योग है, जो जहाँ से इंडस्ट्री निकलती है। ये नहीं है कि इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बनाने का कारखाना है, तो इसको सरवाइव नहीं करेंगे तो देश में बहुत सी इंडस्ट्रियाँ सरवाइव नहीं हो पाएगी। तो एक गंभीर मसला है, केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करते, इसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। तो एचईसी को बचाने के लिए, इस मदर प्लांट को बचाने के लिए, मातृ उद्योग को बचाने के लिए पहल की जा रही है। अब कितना देखना है कि इस एचईसी का उद्धार हो पाता है, क्योंकि किसी भी उद्योग को का उद्धार के बारे में हम तभी सोच सकते हैं जब तक वहां के श्रमिक, जब तक वहां के मजदूर खुश नहीं होंगे, उन्हें जो है बकाया वेतन, जो कि एचईसी की वित्तीय स्थिति का ये हाल है कि इन्हें वेतनमान पिछले कई महीनों से नहीं मिला है। अब देखना यह है कि एचईसी के जो कामगार हैं वो क्या करते हैं और क्या होता है, क्योंकि केंद्र कितना पहल करती है और जो राज्य सरकार है इस पर अगर आग्रह करे, अनुनय विनय करे केंद्र से, तो कुछ पहल हो सकता है, कुछ सकारात्मक पहल हो सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।